क्वेश्चन 6 to 13 डायरेक्शंस आपको दिए हुए हैं, निर्देश दिए हुए हैं। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। आपको बोला गया नीचे दी इन्फॉर्मेशन को बड़े आपने ध्यान पूर्वक पढ़ना है और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर देने हैं। ओके, ए प्लस बी मीन्स ए इज़ फादर ऑफ बी, जो प्लस है इसका मतलब फादर है। कौन? ए प्लस बी क्या है? ए फादर है बी का। ए माइनस बी मीन्स ए इज़ वाइफ ऑफ बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए पत्नी है बी की। ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। ए मल्टीप्लाई बी का मतलब क्या है? ए भाई है बी का। ए डिवाइड बी मीन्स ए इज़ डॉटर ऑफ बी। ए डिवाइड बी का मतलब क्या है? ए क्या है? बेटी है बी की। आपने बताना है इफ़ पी डिवाइड आर प्लस एस प्लस क्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। अगर ये चीज़ आपको दे रखी है तो आपने बताना है कि इन चार जो ऑप्शन हैं इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू है। ये हम बाद में बताएंगे, पहले इसको हम इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, फिर इसको प्लॉट करते हैं। इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है? आपने पहले दो पकड़ लेने हैं पी और आर और सिंबल के साथ में पी डिवाइड आर, फिर आर और एस के बीच में प्लस है, इसको लिखना है आर प्लस एस, फिर आगे एस प्लस क्यू, एस प्लस क्यू लिख लिया। अब इसमें से हम निकालते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब हमारे पास है डॉटर, तो पी डिवाइड आर का मतलब क्या आ जाएगा? पी इज़ डॉटर ऑफ किसकी? आर की, ठीक है। सेकंड में क्या है? आर प्लस एस, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है आपके पास फादर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? आर इज़ फादर ऑफ बी, यहाँ बी नहीं आएगा, क्या आएगा? एस, ठीक है। जो लास्ट है प्लस, इसका मतलब भी फादर ही होगा। एस इज फादर ऑफ क्यू, एस इज फादर ऑफ क्यू, एस इज फादर ऑफ क्यू, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है? प्लॉट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो ठीक है जी, पहले हम बोला पी इज़ डॉटर ऑफ आर, पी बनाते हैं, पी बेटी है आर की, तो ये मैंने बना ली पी बेटी है, तो माइनस आ जाएगा, किसकी बेटी है? आर की, तो आर ऊपर आ जाएगा। पी का जेंडर पता लग गया, वो पी क्या है? फीमेल है। ओके, जो अगली है आपके पास आर इज़ फादर ऑफ एस, आर किसका फादर है? आर एस का फादर है, तो एस नीचे आएगा और आर के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि आर का जेंडर आपको पता लग गया, आर पिता है किसका? एस का। और आपको बोला गया एस इज़ फादर ऑफ क्यू, लास्ट इन्फॉर्मेशन में क्या है? एस पिता है क्यू का, तो एस का बेटा बनाओ नीचे क्यू, बेटा नहीं सॉरी यहाँ पे मैं गलत बोल गया, क्यू कुछ भी हो सकता है, क्यू के जेंडर के बारे में नहीं पता, एस फादर है उसका, तो एस के ऊपर लगाओ प्लस, एस का जेंडर पता लगा कौन है? वो मेल है, और क्यू उसका बच्चा है, ना कि उसका बेटा होगा, बेटा और बेटी में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या तो बेटा होगा फिर बेटी होएगी, पर मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्यों बेटा है बेटी है, क्योंकि बताया ही नहीं है आपको, ठीक है जी। आपको बताना कौन सी ट्रू है। पहला ऑप्शन आपके पास पी इज़ डॉटर ऑफ क्यू, पी बेटी है क्यू की, पी बेटी है क्यू की, नहीं गलत है, पी बेटी किसकी है? आर की बेटी है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? आर आना चाहिए था, ठीक है, तो ये ठीक हो जाता। सेकेंड ऑप्शन है Q इज़ आंट ऑफ P, आपने बताना Q क्या है? P की आंट है, चेक करते हैं क्या Q P की आंट है? नहीं है, आप कह ही नहीं सकते क्योंकि Q का तो जेंडर ही नहीं पता, तो आंट कैसे बन जाएगी वो। इसका अगर आंसर अगर आपने बताना है Q क्या लगता है P का, तो Q क्या लगी? Q क्या लगा? P के भाई का आगे बच्चा है, बेटा है बेटी कुछ भी हो सकता है, मीन्स P का भतीजा या फिर भतीजी होएगी, मीन्स नेफी होगा, तो Q क्या है? या तो नेफी होगा, ठीक है, भतीजा होगा, ठीक है, या फिर क्या होगी? नीस होएगी, ठीक है, भतीजी होएगी, तो ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है पी इज़ आंट ऑफ क्यू, पी क्यू की आंट होगी, चेक कर लेते हैं क्यू 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 का बाप कौन है? एस है, फादर एस है, अब फादर की बहन कौन है? पी, तो पी क्या लगी? बुआ लगी क्यू की, तो बुआ को आंट ही बोलते हैं, तो पी क्या है? क्यू की आंट पक्का होगी, ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन क्या है? ठीक है, ये सी ऑप्शन
डी भी चेक कर लेते हैं, पी इज मदर ऑफ क्यू, जो पी है वो क्यू की माँ है। नहीं जी गलत है, क्योंकि क्यू तो एस का बच्चा है और एस की बहन कौन है, पी है, तो माँ तो नहीं है उसकी, क्या है, बुआ है। तो ये वाला सी ऑप्शन ठीक हो चुका है, यहाँ पे क्या आना था, आंट आना था ना कि मदर, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है, इफ पी माइनस आर प्लस क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बोला गया पी माइनस आर प्लस क्यू आपको दे दिया गया है और बोला है कि इन चार स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट तो बाद में चेक करते हैं, पहले इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं जो आपको दिया हुआ है, फिर उसको प्लॉट करते हैं। क्या बोला गया आपको, पी माइनस आर, पहले पी माइनस आर कोई भी दो पकड़ लो, पहले पहले दो पकड़े हमने, फिर अगले आर और क्यू को, आर प्लस क्यू, ठीक है। माइनस का मतलब हमें पता है, माइनस का मतलब क्या है हमारे पास में, ये रहा ए माइनस बी, मीन्स ए इज़ वाइफ ऑफ बी, माइनस क्या वाइफ है, तो पी इज़ वाइफ, पी क्या है, पत्नी है ऑफ आर। और जो दूसरी आपको इन्फॉर्मेशन दी है आर प्लस क्यू, प्लस का मतलब क्या आपके पास फादर, तो आर क्या है, आर इज़ फादर ऑफ क्यू, फादर ऑफ क्यू, ठीक है। चलो जी इसको प्लॉट करते हैं, पहले आपको बोला है पी इज़ वाइफ ऑफ आर, पी पत्नी है आर की, ये आर है उसकी पत्नी कौन है, पी, पी के ऊपर लगा लो माइनस, अगर आर की पत्नी पी है तो आर उसका पति होगा, ऑब्वियस ही बात है, और एक मैरिड कपल होगा, इसको हर्ट के अंदर मैंने डाल दिया है, ठीक है। आगे आपको बोला गया आर प्लस क्यू, आर प्लस क्यू क्या, आर इज़ फादर ऑफ क्यू, आर पिता है क्यू का, तो क्यू नीचे आएगा, ये आ गया क्यू, ठीक है, क्यू क्या आ गया, नीचे आ गया, तो आर उसका फादर है, पर क्यू के जेंडर के बारे में नहीं पता, क्यू बच्चा जरूर है आर, आर और पी का एक्चुअली दोनों का ही होगा क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है, लेकिन क्यू के बारे में आपको ये नहीं पता उनका बेटा या फिर बेटी है, क्योंकि जेंडर के बारे में उसकी बात नहीं की गई है। तो पहली स्टेटमेंट है पी इज़ मदर ऑफ क्यू, जो पी है वो माँ है क्यू की, बिल्कुल ठीक है जी, जो पी है वो क्यू की माँ है, ए आंसर ही आएगा हमारा, बिल्कुल ठीक है ए ऑप्शन। बाकी भी चेक कर लेते हैं क्या वो गलत है या नहीं, क्यू इज़ डॉटर ऑफ पी, क्या क्यू पी की डॉटर है, नहीं हम नहीं बता सकते, ये जरूर है वो डॉटर होगी या फिर सन होएगा, या तो बेटी होएगी या फिर बेटा होगा, आप बेटी नहीं कह सकते इसको क्योंकि जेंडर ही नहीं पता उसका। पी इज़ आंट ऑफ क्यू, पी क्यू की आंट है, गलत, क्या है माँ है उसकी, क्या है मदर। लास्ट ऑप्शन है पी इज़ सिस्टर ऑफ क्यू, पी बहन है क्यू की, नहीं गलत, अभी तो हमने किया है, पी तो क्या है क्यू की माँ है, तो आंसर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन आएगा, पी इज़ मदर ऑफ क्यू। ओके क्वेश्चन नंबर एट, इफ पी मल्टीप्लाई आर डिवाइड क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बोला है अगर पी मल्टीप्लाई आर डिवाइड क्यू अगर आपको दे दिया जाए तो इसमें से चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सच है, ट्रू है। चलो पहले हम इसको इसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, पहले आपने पी मल्टीप्लाई आर को पकड़ना है, पहले दो पी मल्टीप्लाई आर, फिर आर और क्यू को, आर डिवाइड क्यू, ठीक है, और इनमें से इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी है। इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, मल्टीप्लाई का मतलब हमें पता है, ए मल्टीप्लाई बी का मतलब क्या है, ए इज़ ब्रदर ऑफ पी, ए क्या है भाई है बी का, तो पी मल्टीप्लाई आर का मतलब क्या हो जाएगा, पी इज़ ब्रदर ऑफ आर, पी क्या बन जाएगा, भाई बन जाएगा किसका, आर का। और जो दूसरी स्टेट, जो दूसरी आपने इन्फॉर्मेशन निकालनी है वो निकालनी है आर डिवाइड क्यू में से, डिवाइड का मतलब क्या आपके पास में, ए इज़ डॉटर ऑफ बी, तो क्या आ जाएगा, आर इज़ डॉटर ऑफ क्यू। अब इसको हम प्लॉट कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है, पी इज़ ब्रदर ऑफ आर, पी भाई है तो प्लस आएगा, किसका भाई है, आर का, तो पी का जेंडर पता लग गया, वो भाई है तो मेल होगा। आर इज़ डॉटर ऑफ क्यू, और आर किसकी बेटी है, क्यू की डॉटर है, तो आर के ऊपर माइनस आ जाएगा,
क्योंकि वो बेटी है किसकी, क्यू की। क्यू के बारे में नहीं बताया, क्यू मेल भी हो सकता है फीमेल, मीन्स जो क्यू है इन दोनों का, क्योंकि दोनों भाई बहन है, जो क्यू है इन दोनों का माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है। क्यू के बारे में आपको नहीं बताया, उसके जेंडर के बारे में नहीं पता, तो आपने बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पी इज़ अंकल ऑफ क्यू, पी क्यू का अंकल है, गलत, पी तो बेटा है, क्या है, सन है। पी इज़ फादर ऑफ क्यू, पी क्यू का बाप है, ये तो ऊपर वाला ही आ गया, सन आना चाहिए था यहाँ पे, ये भी गलत हो गया। पी इज़ ब्रदर ऑफ क्यू, ये भी गलत है, क्या आना था, सन, हमें तो सन वाला चाहिए, ये लास्ट में पड़ा है डी ऑप्शन में, पी इज़ सन ऑफ क्यू, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, पी इज़ सन ऑफ क्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इफ पी मल्टीप्लाई आर माइनस क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। आपको बोला अगर पी मल्टीप्लाई आर माइनस क्यू एक रिलेशन है, उस रिलेशन में से आपने इन्फॉर्मेशन निकालनी है और ये बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी ऑप्शन ठीक है। तो पहले इनमें से इसमें से पी मल्टीप्लाई आर माइनस क्यू में से इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। इन्फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, पहले आपने पी मल्टीप्लाई आर लिखना है, पी मल्टीप्लाई आर, फिर अगले दो आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू, और इनमें से इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी है। ठीक है जी, कैसे इन्फॉर्मेशन निकालनी है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ब्रदर, यहाँ पर लिखा है ना ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी इज़ ब्रदर, पी क्या है, भाई है किसका, ऑफ आर। दूसरे में माइनस है आर माइनस क्यू, माइनस कहाँ पे आया है? देखो यहाँ पे माइनस हमारा आया है यहाँ पे, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए इज़ वाइफ ऑफ बी, तो माइनस का मतलब है वाइफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर इज़ वाइफ ऑफ क्यू। ठीक है, अब इसको हम प्लॉट कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं, पी इज़ ब्रदर ऑफ आर, पी भाई है किसका, आर का, तो मैंने पी के ऊपर उसका जेंडर लगा लिया, प्लस का रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका जेंडर क्या है, मेल है, भाई है। आर इज़ वाइफ ऑफ क्यू, आर वाइफ है किसकी, क्यू की, तो क्यू क्या होगा उसका, ऑटोमेटिकली हस्बैंड होगा क्योंकि पति पत्नी है पी, सॉरी आर क्या पत्नी है किसकी, क्यू की, तो क्यू क्या होगा उसका हस्बैंड होगा और ये एक मैरिड कपल होगा। ठीक है, तो आपने बताना है कि कौन सी स्टे इसमें से चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ठीक है। पहला ऑप्शन है पी इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, जो पी है वो क्यू का साला है, बिल्कुल साला है, देखो क्यू, क्यू की पत्नी, आर, आर का भाई पी, तो पत्नी का भाई कौन होता है, साला ही होता है ना, तो बन गया पी इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, पहली स्टेटमेंट की आपकी बिल्कुल ठीक है। दूसरा, सॉरी, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, पी इज़ ब्रदर ऑफ क्यू, जो पी है क्यू का भाई है, नहीं, पी तो आर का भाई है। पी इज़ अंकल ऑफ क्यू, नहीं, अंकल तो इसमें कहीं पे है ही नहीं, पी अंकल नहीं है एक्चुअली, क्या है, पी क्या है, क्यू का पहला ऑप्शन बना पड़ा है, ब्रदर इन लॉ है, क्या है, ब्रदर इन लॉ, ये भी गलत है। पी इज़ फादर ऑफ क्यू, नहीं, यहाँ पे क्या आना था, ब्रदर इन लॉ, क्या आएगा, साला। तो नाइन्थ ऑप्शन का आपका कौन सा, नाइन्थ क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। ओके, ब्रदर इन लॉ, पी क्या है, साला है क्यू का। क्वेश्चन नंबर 10, इफ पी प्लस आर डिवाइड क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। आपने बताना पी प्लस आर डिवाइड क्यू, अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इसमें से आपने ये बताना इन्फॉर्मेशन में से कि कौन सी ऑप्शन ठीक है। तो पहले इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, पी प्लस आर लिखना है एक बार आपने, फिर लिखना है आर डिवाइड क्यू, आर डिवाइड क्यू, और इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालनी है। प्लस का मतलब क्या आपको पता है, प्लस का मतलब हमारे पास फादर है, तो ये क्या बनेगा, पी इज़ फादर ऑफ आर। अगला क्या है, आर डिवाइड क्यू,
डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है डॉटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर इज डॉटर ऑफ क्यू। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो पी इज़ फादर ऑफ आर, आर का फादर कौन है, पी, पी के ऊपर लगाओ प्लस, क्योंकि वो फादर है, उसका जेंडर क्या है, मेल है, प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को। आर इज़ डॉटर ऑफ क्यू, आर किसकी बेटी है, आर बेटी है क्यू की। देखो पी की बेटी है आर, क्यू की बेटी है आर, तो मीन्स पी और क्यू क्या होंगे, आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे, तो इसको एक डालो मैरिड कपल में, मीन्स हर्ट के अंदर डाल दिया है। अगर पी का जेंडर मेल है तो ऑटोमेटिकली क्यू क्या होएगी, उसकी पत्नी होएगी, फीमेल होएगी, ठीक है। ओके, आर के बारे में कुछ नहीं बताया, आर इन दोनों का बच्चा है, अब ये नहीं बताया कि आर लड़का है या लड़की, आर के जेंडर के बारे में कुछ नहीं पता। आपने ऑप्शन चारों में से बताना कौन सा ठीक है। पहला ऑप्शन है पी इज़ ब्रदर ऑफ क्यू, पी क्यू का भाई है, गलत, क्या है, हस्बैंड है, पति है। पी इज सन ऑफ क्यू, ये भी गलत है, क्या आना था यहाँ पे, हस्बैंड आना था, तो ये हस्बैंड वाला हमारे पास सी ऑप्शन पड़ा है, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, ये वाला ठीक हो जाएगा। पी इज द फादर ऑफ, ये भी गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हस्बैंड। तो आपका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ पी डिवाइड आर प्लस क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। आपको बोला है यदि पी डिवाइड आर माइनस क्यू, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ पी डिवाइड आर प्लस क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। आपको बोला है यदि पी डिवाइड आर प्लस क्यू, आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है, इसमें निकालनी है इन्फॉर्मेशन अभी इसमें से, स्टेटमेंट में से, तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सी ऑप्शन ठीक है। तो पहले हम इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है, देखो पहले लिखना आपने पी डिवाइड आर, पी डिवाइड आर, दो पकड़ दिए, फिर अगले दो आर प्लस क्यू, ठीक है। तो पी डिवाइड आर से क्या इन्फॉर्मेशन निकली, डिवाइड कहाँ आ रहा है, डिवाइड आपका आ रहा है यहाँ पे, डिवाइड का मतलब है ए, डिवाइड बी का मतलब है ए इज़ डॉटर ऑफ बी, तो पी डिवाइड आर का मतलब क्या आ जाएगा, पी इज डॉटर, बेटी है ऑफ आर, ठीक है, पी क्या है, बेटी है आर की। और दूसरी जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है आर प्लस क्यू से, प्लस कहाँ पे आया, प्लस यहाँ पे आया, ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए इज़ फादर ऑफ बी, तो आर प्लस क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, आर इज़ फादर ऑफ क्यू, ठीक है। चलो इसमें से अब इन्फॉर्मेशन जो आपने निकाली है उसको प्लॉट कर लेते हैं, क्या बनता है हमारे पास, देखते हैं। पी बेटी है आर की, तो पी को बनाओ नीचे और उसके ऊपर लगाओ माइनस, क्योंकि वो बेटी है, उसका जेंडर फीमेल है, और वो बेटी किसकी है, आर की, तो आर ऊपर आ जाएगी। आर इज़ फादर ऑफ क्यू, आर फादर है, बाप है किसका, क्यू का, तो क्यू नीचे आएगा, क्यू आर का बच्चा है। पी भी आर की बेटी है, एक तरह से वो बच्ची है, बेटी है उसकी, लेकिन क्यू के बारे में कुछ नहीं बताया, क्यू बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, उसके जेंडर के बारे में नहीं पता, लेकिन पी और क्यू दोनों आर के बच्चे हैं, या फिर ऐसे कह लो आर पी और क्यू का बाप है या फिर फादर है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है पी इज़ फादर ऑफ क्यू, जो पी है क्यू का फादर है, गलत है, पी तो क्या है, बहन है, क्या है, सिस्टर, पता है ना, उसके ऊपर माइनस लगा हुआ पी के ऊपर, पी तो बहन है क्यू की, ठीक है। अगला क्या है, ऑप्शन बी इज़ ब्रदर ऑफ क्यू, सॉरी बी नहीं है, अगला ऑप्शन क्या आपके पास, बी ऑप्शन, पी इज़ ब्रदर ऑफ क्यू, पी ब्रदर है क्यू का, नहीं गलत है, अभी तो हमने ऊपर लिखा है पी तो क्या है, सिस्टर है, बहन है किसकी, क्यू की। सी ऑप्शन देखते हैं, पी इज़ मदर ऑफ क्यू, पी माँ है क्यू की, ये भी गलत है, अभी तो हमने किया है, क्या है, सिस्टर है। देखो अगला फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, फोर्थ में आ गया हमारे काम की चीज़, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे माई एक गलत है, सॉरी यहाँ पे गलत लगना था, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू। ओके,
क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ पी मल्टीप्लाई आर प्लस क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बोला है पी मल्टीप्लाई आर प्लस क्यू, आपको एक स्टेटमेंट दे दी, इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालेंगे अभी हम, और फिर पूछा है कि इस स्टेटमेंट को प्लॉट करने के बाद जब हम प्लॉट कर देंगे तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है जी, पहले हम इनमें से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। पहले आपने पी मल्टीप्लाई आर इसको लिख लेना है, फिर आर से क्यू तक क्या है आर प्लस क्यू इसको लिख लेना है, और इनमें से जो इन्फॉर्मेशन निकलती है आपने निकाल लेनी है। पी मल्टीप्लाई आर का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई आया कहाँ पे हमारा, मल्टीप्लाई हमारा आया है यहाँ पे, ए मल्टीप्लाई बी में क्या बोला है, ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी इज़ ब्रदर ऑफ आर, ठीक है भाई है आर का। और जो सेकंड आपकी इन्फॉर्मेशन निकलेगी इसमें से आर प्लस क्यू में से, प्लस वाला पता होना चाहिए आपको, ए प्लस बी का मतलब क्या है ए इज़ फादर ऑफ बी, फादर प्लस फादर है, तो आर इज़ फादर ऑफ क्यू, इन्फॉर्मेशन आपने निकाल ली। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं, पी इज़ ब्रदर ऑफ आर, पी ब्रदर है आर का, प्लस लगाया मीन्स प्लस क्या उसका जेंडर है मेल है वो पी। आगे बोला आर इज़ फादर ऑफ क्यू, आर किसका फादर है क्यू का, तो आर के ऊपर प्लस लगाओ क्योंकि आर का जेंडर पता लग गया वो मेल है, पिता है इसका क्यू का। ठीक है जी, अब हम करते हैं ऑप्शन चेक वन बाय वन। पहला है पी इज़ अंकल ऑफ क्यू, जो पी होगा वो क्यू का अंकल होगा मीन्स चाचा होगा, बिल्कुल होगा, क्यू का फादर आर है, आर के बाप का भाई, सॉरी क्यू का फादर आर है और पी कौन है आर का भाई है, मीन्स क्यू के फादर का भाई कौन है पी है, तो फादर का भाई कौन होता है चाचा अंकल होता है, तो 12th का ऑप्शन क्या आ जाएगा ठीक है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बाकी चेक कर लेते हैं एक बार, पी इज़ फादर ऑफ क्यू गलत, अभी मैंने बताया क्या आएगा इसका अंकल आएगा, सब में वही है, ये भी गलत, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था ठीक हो जाता अगर यहाँ पे अंकल लिखते वो, ये भी गलत है, यहाँ पे भी अगर वो अंकल लिख देते ठीक हो जाता, तो अंकल वाला ए ऑप्शन है, तो 12th का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ पी माइनस आर मल्टीप्लाई क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपसे पूछा अगर पी माइनस आर मल्टीप्लाई क्यू, एक आपको स्टेटमेंट दे दी, इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालनी है हमने, चलो निकालते हैं, फिर आपने बताना है इन चार ऑप्शनों में से कौन सी ऑप्शन ठीक है। तो आपने सबसे पहले लिखना है पी माइनस आर, पी माइनस आर, फिर लिखना है आर मल्टीप्लाई क्यू, आर मल्टीप्लाई क्यू, दो दो पकड़ने हैं आपने, और इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालनी है। माइनस कहाँ पर आया ऊपर, माइनस आया आपका यहाँ पे, ए माइनस बी मीन्स ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, तो पी माइनस आर का मतलब क्या हो जाएगा, पी इज़ द वाइफ ऑफ आर, जो आर मल्टीप्लाई क्यू है इसमें से इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई कहाँ पे आया, मल्टीप्लाई यहाँ पे आया ए मल्टीप्लाई बी, मीन्स ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, तो इसका क्या बन जाएगा, आर इज़ द ब्रदर, भाई है आर इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू। ओके, अब इसको प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है जी, प्लॉट करते हैं। ठीक है जी, पी इज़ द वाइफ ऑफ आर, पी पत्नी है किसकी, आर की, माइनस क्यू लगाया उसका जेंडर क्या है फीमेल, तो उसके ऊपर माइनस लगेगा ना, आर की पत्नी है तो आर के ऊपर प्लस आएगा क्योंकि आर उसका क्या बनेगा पति, और एक मैरिड कपल बन गया, इसको डाल लो हर्ट के अंदर। दूसरी इन्फॉर्मेशन है आर इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू, आर भाई है किसका क्यू का, तो क्यू साइड में लगा लो, और क्यू के ऊपर मैं प्लस नहीं लगा सकता, सॉरी उसके ऊपर प्लस नहीं ले सकता क्योंकि क्यू के जेंडर के बारे में आपको नहीं बताया, सिर्फ ये बोला है कि आर भाई है क्यू का। अब क्यू आर की बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, ठीक है, तो ये बनेगा। अब वन बाय वन ऑप्शन चेक करते हैं, पी इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू, पी क्यू की सिस्टर है, नहीं, पी तो क्यू की भाभी लगेगी, क्यों, क्यू का भाई आर है उसकी पत्नी है, तो क्यू की पी क्या लगेगी, भाभी, भाभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर नहीं, यहाँ पे एक्चुअली क्या आना चाहिए था, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। क्यू इज़ द हस्बैंड ऑफ पी, क्यू पी का हस्बैंड है? नहीं, क्यू तो पी का देवर या फिर क्या लगेगी, ननद लगेगी ना, मीन्स पति की भाई या बहन होगा क्यू, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पी का पति कौन है? आर। और पति का जो भाई या फिर बहन होती है वो क्या लगती है, या तो भाई होगा तो देवर लगेगा क्यू, अगर बहन हुई तो क्या लगेगी, ननद लगेगी। तो क्यू हस्बैंड नहीं है पी का, तो क्यू तो क्या है पी का, या तो देवर, देवर क्या को क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, और दे जो ननद होती है, ननद को क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो गया, पहला भी गलत था। तीसरा है पी इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, जो पी है क्यू की सिस्टर इन लॉ है, मीन्स भाभी है। तो मैंने वही पहले में बताया था आपको, सिस्टर इन लॉ आएगा वो यहीं पे आ गया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो पी है वो क्यू की भाभी है, भाभी है। जो डी है, क्यू इज़ सन ऑफ पी, क्यू जो है पी का सन है? नहीं, वो मैंने आपको बता दिया है। क्यू क्या है, क्यू या तो ब्रदर इन लॉ होगा या फिर क्या होगा, सिस्टर इन लॉ होगी। ठीक है, या तो देवर होगा या फिर क्या होगा, ननद होगी। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन।